तो अब हम आपको जो है सो फागुन कृष्ण पक्ष परिवा एकम का पंचांग आपको हम दे रहे हैं। तो आपको एकम जो हो गया सो रविवार हो गया, और एकम आपको जो है सो 12:26 बनारस के अनुसार आपको रहेगा। तो बनारस के अनुसार आपको 12:26 पर और पटना के अनुसार 12:35 आपको परिवा दिन में रह जाता है, और परिवा आपको पहले से ही चालू हो गया है पिछले दिन के। हाँ, पिछला दिन मैंने 2 बजे से परिवा चालू हो गया। तो पिछला दिन 2 बजे से परिवा चालू होकर के आज रविवार को 12:30 तक परिवा रह जाएगा। तो इस परिवा में आप कोई भी काम करें जो शुभ हो, जो अच्छा लगता हो, जो चाहते हैं कि बार बार हो, वैसा काम करें। आज जो अशुभ काम है, जिसे आप नहीं चाहते हैं कि दोबारा हो, वैसा काम आप कभी भी भूल कर न करें। जो आपको हाथ में है उसको आप अपने हाथ में ही रखें। यदि बेहाथ हो गया तो समझिए सब कुछ बेहाथ हो जाएगा, और ऊपर वाला को तो कोई रोक नहीं सकता है ना। तो ऊपर वाला के हाथ में छोड़ दीजिए, वो जो करेंगे सबको अपना समझे, लेकिन हमको जो हाथ में है उसको हम अपना कंट्रोल कर करके चले, प्रतिबंध लगाए। और ज़्यादा मजबूरी हो तो क्या करिएगा, मरता क्या नहीं करता। और ज़्यादा कोशिश है कि यदि लाभ अधिक है हानि कम है तो चल सकता है, लेकिन मजबूरी की चीज़ है। प्रायः खर्चा से, कर्जा से बचे, झगड़ा से बचे। पूर्वा फागुन नक्षत्र आपको 10:40 दिन तक रहेगा। धृति योग जो है सो शाम को 5:53 में 6 बजे शाम तक रह जाएगा। उसके बाद आपको कौलव कर्ण हो जाएगा, और उसके बाद कौलव कर्ण 12:14:25 है, उसके बाद 33 कर्ण आता है, 3 घंटा पल में है। उसका छत्र योगा हो जाएगा, अंग्रेजी 28 फरवरी हो जाएगा। आंग्ल भाषा अनुसार है ना, मैंने अंग्रेजी के अनुसार आपको 28 फरवरी महीना का अंतिम दिन हो जाएगा, और फसली 1 तारीख हो जाएगा, और सूर्य के अनुसार आपको 16 तारीख रहेगा, और अस्त्री आपको 9 राशि। चंद्रमा जो है सो कन्या राशि को आपको आ जाएंगे शाम 4:25 में 4:30 के बाद से कन्या राशि के हो जाएंगे। तो कन्या राशि के सूर्य जो है सो चंद्रमा जो है आपको दक्षिण को हो जाएगा, तो दक्षिण और पूर्व की यात्रा शुभ कार्य हो जाता है, और दिशा शूल भी नहीं। सूर्योदय आपको 6:16 और पटना में 6:25 हो जाता है। सूर्यास्त 5:44 है, 9 मिनट उसमें घट जाएगा, वहाँ शुरू में जुटेगा, शाम वाला में घटेगा। तो आगे चलिए अब काम की बात पर। तो कन्या राशि हो गया, फागुन मास आरंभ हो गया, फसली मास आरंभ फागुन। स्वार्थ सिद्धि जो आपको दिन में 10:40 यानी 10:45 के बाद से स्वार्थ सिद्धि जोगाएगा, माने इसमें जो काम कीजिएगा वो सब पूरा हो जाएगा, आपके स्वार्थ जो है सो पूरा हो जाता है, इसलिए इसका नाम स्वार्थ है सिद्धि जोग हुआ। शोभा शुभ त्रय गुण पुष्कर जोग 15:25 यानी कि दिन में 12:26 के बाद 12:35 है ना, परिवार खत्म हो जाता है ना 12:35 पर, तो परिवार खत्म हो जाता है तो आपको त्रिपुष्कर योग लग जाता है। तो त्रिपुष्कर योग में आपको जो है सो त्रिपुष्कर योग में जो काम होगा वो 3 गुना हो जाता है, शुभ हो या अशुभ हो। तो जो आपको हाथ का काम जो है वो आप कर लें, जो शुभ काम हो, जो अच्छा काम हो, जो समझते हैं कि मेरे लिए अच्छा काम है, उस काम को आप कर लीजिए, क्योंकि शुभ कार्य है। और ऐसा ऐसा आपको 2 और शुभ काम हो जाएगा, और क्या चाहिए, सोना भी या सोना में सुगंध भी हो जाएगा, तो चलिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन अशुभ काम भूल करके मत करिएगा, नहीं तो फिर 2 और हो जाएगा। आ यदि प्रकृति के देन से हो गया तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, नहीं जथा संभव इसमें रोक दीजिए अशुभ काम, अशुभ काम को खूब करिए।
मेरा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा अवश्य लगा होगा, मुझको विश्वास है। तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब्स नहीं किए हैं, यदि सब्सक्राइब्स अंग्रेजी लाल अक्षर में लिखा हुआ है या कोई भी रंग हो सकता है, तो अभी तो वर्तमान काल में लाल रंग का चल रहा है, तो लाल रंग को उसको छू के काला रंग पर कर दीजिए, लाल ठीक नहीं होता है। और उसका बाद बेल भी बजा दीजिए और फिर ऑल बेल कर दीजिए, इतना कर दीजिएगा तो मेरा कार्यक्रम सब आपको मिल जाएगा, आपको भी हक में अच्छा और मेरे हक में भी अच्छा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।